और जानकारी वो देता हूँ जिससे आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स ना उत्पन्न हो। इसीलिए किसी प्रकार से कोई नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, सब कुछ अच्छा है, यात्रा बहुत ही आराम से चल रहा है। मुझे तुमने दाती बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाती बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। जय माता दी, स्वागत है आपका एक और नए नज़ारे की इस नई प्यारी सी वीडियो में। मेरे नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम आप सबको माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित मार्च महीने की नई जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सब भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा। इस वीडियो की शुरुआत हो रही है भूमिका मंदिर से। जी हाँ, माता रानी की यात्रा की शुरुआत यहीं से हुई थी और माता रानी ने अपनी यात्रा भी यहीं से प्रारंभ की थी। हमने आपको डिजिटल यात्रा भी कराया था और उसकी शुरुआत भी हमने यहीं से की थी। तो आप सब ज़रा कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि आप में से कितने भक्तों ने यहाँ पर जाकर दर्शन किया है और कितने भक्त जो है अपनी यात्रा की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माता रानी का नाम लेकर हम आ चुके हैं माता रानी की यात्रा गेट के पास और आप देख रहे हैं कि गेट से जैसे हम इंटर करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। भक्त जयकारों के साथ माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनके मन में बस यही जिज्ञासा होता है, जय माता दी का, जय माता दी का। माँ भगवती का नाम लेते लेते हम आ चुके हैं माता रानी के पवित्र यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर तीर चलाकर गंगा को प्रकट किया था, इसीलिए इसे हम बाणगंगा कहते हैं। साथ ही साथ माता रानी ने अपने बाल यानी केस को यहाँ पर धोया हुआ था, इस कारण इसे हम बालगंगा भी कहते हैं। तो आप सब भी इस यात्रा में ऐसा महसूस करिए कि हमारे साथ इस यात्रा को आप घर बैठे कर रहे हैं, लेकिन आप वहीं पर मौजूद हैं और अपने हाथों में आप माता रानी के इस पवित्र जल को ग्रहण कर रहे हैं। यात्रा करते करते हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी मंदिर के बहुत पास। यहाँ से पहले आप रात का विजुअल्स देखिए और कुछ अलग प्रकार का विजुअल्स आपको देखने को मिलेगा। रात के समय तो आपको पता ही है माता रानी की यात्रा ट्रैक की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रात में लाइटें जलते रहते हैं और उस लाइट में जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत अलग सा अनुभव होता है। इन यात्रियों को देखकर आप महसूस करिए कि आप सब भी कभी इस यात्रा ट्रैक से रात में माता रानी के दर्शन की ओर जाते हैं या माता रानी के दर्शन करके वापस कटरा की शहर की ओर आते हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा है और माता रानी का पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर आप सबके सामने है। साथ ही साथ इस समय श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो फिलहाल इस समय श्रद्धालुओं की संख्या मात्र 15,000 से लेके 20,000 के आसपास में बनी हुई है और अगर संख्या कम होगी तो आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। अर्धकुंवारी मंदिर पर दर्शन करने का समय भी आपको कम मिलेगा और अगर वेटिंग समय की बात की जाए तो मात्र 10 घंटे से लेके 12 घंटे का इस समय वेटिंग समय चल रहा है और ये वेटिंग समय डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। अगर श्रद्धालु की संख्या कम होती है तो वेटिंग समय भी कम हो जाता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अर्धकुंवारी मंदिर के पास मैकडोनल्ड और भी बहुत सारे नए नए आउटलेट्स खुल चुके हैं, जैसे बीकानेर वाला, डोमिनोज, इस प्रकार के नए नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं और कुछ आउटलेट्स की ओपनिंग हो चुकी है। तो अगर आप जा रहे हैं और ये सब चीज़ों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अब ये सब भी मिल जाएगा। अर्धकुंवारी मंदिर का ये पवित्र पावन दर्शन करिए घर बैठे और जयकारा लगाइए जोर से कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी का। इस पवित्र मंदिर को हम गरुजन गुफा कहते हैं। बहुत भक्त इस पवित्र गुफा से होकर माता रानी के दर्शन करते हैं। देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर आइए, अपना पर्ची कटाइए। अगर आपका नंबर आने वाला है तो यहाँ पर जाकर दर्शन कर लीजिए। अगर आपका नंबर नहीं आने वाला है, कुछ समय बाद आने वाला है, तो आप माता रानी के भवन की ओर निकल जाइए, भवन से दर्शन करके भैरव घाटी जाइए और जब भैरव घाटी से दर्शन करके आप वापस आते हैं अर्धकुंवारी मंदिर पर, तब आप जाके माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ बात कर लीजिए कटरा शहर से एक और नई जानकारी की, तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगा कि एयरटेल ने अपना 5G लॉन्च कर दिया है कटरा शहर में। यानी अगर आपका हैंडसेट 5G है और आपके पास पोस्टपेड सिम है एयरटेल का 5G या फिर आप वहाँ जाके कोई प्रीपेड सिम एयरटेल का 5G लेते हैं तो आप कटरा शहर में 5G का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं अगर अब बात की जाए माता रानी के दर्शन की, तो इस समय भक्तों को दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से हो रहे हैं माता रानी के। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना भक्तों को नहीं करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ प्राचीन गुफा जो है वो समय समय पर खुल रहा है। जब भक्तों की संख्या कम हो रही है तो प्राचीन गुफा खुल जा रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि संडे सैटरडे को छोड़कर प्लान बनाइए। अगर माता रानी की इच्छा होगी तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होगा। एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि अपने मन में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए और पॉजिटिव करिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा।
मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ देखेंगे, तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि किसी प्रकार से कोई भी परेशानी कटरा में नहीं है, माता रानी की पूरी यात्रा में नहीं है, और माता रानी के भवन में भी नहीं है। भक्त बहुत ही अच्छी तरीके से यात्रा कर रहे हैं, यात्रा बंद नहीं है। बहुत भक्त मुझे कॉमेंट कर रहे हैं कि सर यात्रा बंद हो गई है क्या, या कटरा में कोई बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, या कुछ ऐसा इशू है। देखिए, मैं सिर्फ आपको सही जानकारी देता हूँ, और जानकारी वो देता हूँ जिससे आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स ना उत्पन्न हो। इसीलिए किसी प्रकार से कोई नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, सब कुछ अच्छा है, यात्रा बहुत ही आराम से चल रहा है, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। घोड़ा की सर्विस मिल रही है, पिट्ठू की सर्विस मिल रही है, हेलीकॉप्टर मिल रहा है, रोपवे की सर्विस मिल रही है, बैटरी कार की सर्विस मिल रही है, इवन सभी प्रकार की सुविधा जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाती है वो भक्तों को दी जा रही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, माता रानी का नाम लेकर यात्रा पर जाना है। और अगर आप इस होली पर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होंगे। माता रानी पर भरोसा रखिएगा, आप अपनी होली का त्यौहार वहाँ जाके मनाने वाले हैं, तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, खुश नसीब हैं। इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी मैंने आपसे शेयर कर दी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यात्रा के लिए आपको पता ही है कि RFID कार्ड ज़रूरी है, इसीलिए RFID कार्ड कटरा पहुँचकर काउंटर से ले लीजिए, अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। माता रानी की कृपा से आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब आपकी यात्रा संपन्न हो जाए तो RFID कार्ड को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को वापस कर दीजिए। वहाँ बॉक्स बनाए गए हैं एग्जिट पॉइंट पर, वहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड जमा कर दीजिए, और उसके बाद आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में लगभग हर प्रकार की जानकारी को मैंने आपसे साझा कर दिया है, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो कॉमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है और आप रिप्लाई जल्दी पाना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए, इंस्टाग्राम पर हमें DM कर दीजिएगा, वहाँ हम जैसे ही आपका मैसेज देखेंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, माता रानी कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम माता रानी से आपके लिए यही प्रार्थना करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी, आजा माता रानी, आजा।